गुड इवनिंग गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब है, हमने बहुत लॉकर रूम में अपना सामान देने के बाद हमने लंबी लंबी लाइनों में लग के माता के दर्शन कर लिए। तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, बिकॉज फ़ोन और ये सब आपको लॉकर रूम में सबमिट करना पड़ता है। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। फिर हम आ गए थे 6 बजे के तकरीबन नीचे दर्शन करके, नीचे इन द सेंस लॉकर रूम के पास। और फिर हम थोड़ा सा आगे अभी आए हैं सागर रत्ना पे, और हमने खाना वाना खाया तो थोड़ी एनर्जी आई है अच्छे से। बाकी इतनी भीड़ है, कोई बंदा ठंड नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, बस लोग अपना बेताब है दर्शन करने के लिए भाई। लेकिन हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए ना, मज़ेदार, बहुत अच्छे। तो अब हमारा नेक्स्ट रहेगा भैरवनाथ जाने का, भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हमें 2 किलोमीटर की और चढ़ाई है जो हम करेंगे। फिर उसके बाद हम वापस आएंगे और जाएंगे जहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी वापस। तो जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। दर्शन तो अच्छे हुए ना, पैर ही नहीं है। अच्छा मिट्टू, हाँ सोच सोच के डर लग रहा है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा, फर्स्ट टाइम था हमारा, और हमारे दर्शन चमत्कारी हुए थे। और अभी हमको और लंबी चढ़ाई करनी है, सो स्टे ट्यून्ड। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, ऐसा लगा था माता के हाथ में रखे। एनर्जी आ गई थी, और गाइस बाकी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं बोरा पूरे टेबल पे। अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ और हुआ तो मिलवाती हूँ, जैसा होगा देखा जाएगा। गाइस हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है, मिट्टू जा रहे हैं घोड़े पे, और ये देखो मिट्टू गया। भैया रुको, मिट्टू की फोटो। मिट्टू कैसा लग रहा है घोड़े पे बैठ के? बहुत अच्छा। ये और मिट्टू ने मेरा बैग ले लिया जो वो नीचे तक लेके जाएगा, है ना? और मिट्टू हाउ इज द फीलिंग? बहुत अच्छी। चलो ठीक है, ठीक है। नाइट व्यू हमने भैरवनाथ जी की चढ़ाई तो कर लिया, बस दर्शन के लिए लगने जा रहे हैं। कितना सही है यहाँ पे, इतना ये बड़ा। भाई से थोड़ी थोड़ी बर्फ भी देख लो आप लोग। और गाइस घोड़ा आ रहा है पीछे से। जय भैरवनाथ की, ये गाइस इनकी स्टोरी है कि माता रानी ने भैरव जी काफ़ी सालों से माता रानी का पीछा कर रहे थे, और ऐसा मुझे स्टोरी अभी पता चली, अगर कुछ गलत है तो प्लीज़ बताना। तो जब माता रानी को पता चला तो उन्होंने भैरव जी का सर काट दिया, और वो सर जाके यहाँ पड़ा। तो फिर भैरवनाथ जी ने माता जी से कहा कि मेरी तपस्या का भी कुछ फल मुझे मिलना चाहिए। तो तब माता रानी ने उन्हें ये बोला कि जब तक लोग मेरे दर्शन के लिए आएंगे और तेरे दर्शन भी साथ होंगे, तब जाके पूरी यात्रा कंप्लीट मानी जाएगी। तो वही उसी को लेके अब हम जा रहे हैं। हाय, ये काजल है। काजल, ओ हाय काजल, काजल हाय करो, काजल बाय। तो बस इसी उससे हम भैरवनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। हमने भी बीच में सोचा घोड़ा लेने, पर हमने कहा नहीं, इतनी दूर आए तो करके ही जाएंगे पैदल ही जितना बनता है। जब उतरने में कभी लगेगा तो आगे देखेंगे। तो अभी के लिए जय भैरवनाथ की। कल ही स्नोफॉल हुआ है, वैष्णो देवी की फर्स्ट स्नोफॉल हुई है, और अंधेरा ही अंधेरा, और पीछे आ रहे हैं लोग। मैं आ गई हूँ थोड़ा आगे। जय भैरवनाथ की। अरे यस गाइस, हमने भैरवनाथ जी के कर लिए अच्छे से दर्शन, और अब हम जा रहे हैं नीचे अपने होटल पे, अर्धकुंवारी के रास्ते से, सांझी छत से होते होते हम जाएंगे कम से कम 10-11
किलोमीटर्स बचे हुए हैं जो हमें अब रेगुलरली उतरने और फिर जाके अपने होटल में भय पड़ जाना है और आज तो भैया कृपा बरसी है, कृपा पर हम बता नहीं सकते कितनी कृपा, बट बरसी पूरी है। अभी आगे लाइट में जाऊंगी तो मेरा चहकता हुआ चेहरा देखना आप। ये देखो गाइस, अब मैं आपको मिलती हूँ नीचे, बाकी सब चारों तरफ अंधेरा है, नजारे दिन में देख ही चुके हैं। सांझी छत पे थोड़ा सा ही आगे चलने पे हमको मिला है हलवा चना का प्रसाद, जय माता दी का, और हम वही लाइन में लगे हुए हैं। ये देखो लाइन और ये रहा प्रसाद। बहुत चला, अब हम अर्धकुंवारी पे पहुंचे हैं। हम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम यहीं से ही अपना हाथ जोड़ के नीचे जा रहे हैं और ये माहौल है यहाँ का। अभी भी 6 किलोमीटर बचा हुआ है नीचे का रास्ता। बहुत हालत ख़राब है, मतलब पैर अब लड़खड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। और हमने सीढ़ियों वाला रास्ता ले लिया और बाकी सब इससे आ रहे थे, दूसरे से रैंप वाले रास्ते से, और हम बिछड़ गए हैं अभी के लिए। तो बस हम थोड़ा थोड़ा चलते हैं, वेट करते हैं कहीं दिख जाए जैसे मर्जी, बस ये है कि वो हमारा वेट ना कर रहे हो कहीं पर, बट मुझे लगता नहीं इतनी देर वेट करेंगे, उन्हें समझ आ गया होगा कि वो आगे निकल गए क्योंकि अपना पीछे तो उनके बीच में थे हम। तो चलो जय माता दी का नाम लेते चलो और आगे बढ़ते चलो। जय माता दी। हमने लिया मसाज वाली मशीन जो हमारे सर पे कुछ नहीं कर रही, पैरों पे थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही है। दीप कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा लग रहा है, बट सब लोग जा चुके हैं और हम हम मजे में सब जा चुके हैं। अब हम उन्हें पकड़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। भैया बंद कर दो, कहाँ है रिमोट? गाइस हम लंच करके आ गए हैं और अपना ये हमारी आ गई है गाड़ी जिसके अंदर ये भैया सो रहे हैं और हम बाहर खड़े भैया देख को ताक रहे हैं। और बस अब क्या है, अब हमारा सामान नीचे है और हम बस इस पे बैठेंगे और जम्मू निकल जाएंगे। और ये मेरे साथी हैं जो सिर्फ हाय हाय करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, खासकर ये लड़की है मिट्टू बोलता ही नहीं है। गाइस बाकी के लोग आ रहे हैं पीछे, है ना, वो देखो बातें करते हुए, और उसके पीछे वो आ रहे हैं, वो अपनी बातें करते हुए, नहीं 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 वो नहीं है हमारे वाले, अरे यही है बस गाइस, यही है गाइस। सब लोड हो गए हैं और हम जा रहे हैं जम्मू की तरफ, जम्मू तवी। और देखो अभी से ही वादियाँ स्टार्ट हो गई हैं। गाइस हम आ गए हैं जम्मू और यहाँ से अब आप सुनिए ये कौन सा पैलेस है। सोने का सिंहासन रखा हुआ अंदर। अच्छा, और ये राजा जो थे अपने जम्मू कश्मीर के उन्हीं का पैलेस है ये। अच्छा, उनका है, उनके जो लास्ट जनरेशन है उनका नाम डॉक्टर करण सिंह है। अच्छा, वो प्रेजेंटली सांसद भी है। अच्छा, हिसाब से तो ये उन्हीं का उनका बना हुआ, और इसके बराबर में होटल ताज है। अभी नहीं तो गाइज ये है पैलेस और देखो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है दूर से। अब हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे ये सारे हमारे, हाय
हेलो, कैसा रहा सफर? बढ़िया बहुत अच्छा। बहुत बेकार। अरे मिट्टू हर चीज को बेकार बोलता है। गाइस तो यहाँ पे अब हम फोटोज क्लिक करेंगे, देखो कितना सही सन है। गाइस एक ये भी पार्क है और सनसेट हो रहा है बहुत अच्छा। इसकी मैं फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। और हमारा अब हम ड्राइवर भैया की वेट कर रहे हैं क्योंकि वो जा चुके हैं। देखो यहाँ पे सनसेट पड़ रहा है ना, इस पर बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर। सारी फोटोज क्लिक करवा ली और अब हम वेट कर रहे हैं अपने ड्राइवर भैया का क्योंकि उनको वो पता नहीं कहाँ चले गए अपने काम करवाने के लिए। तो अब नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं कौन सी होने वाली है क्योंकि हमारी रात ट्रेन जो है वो रात को है 10:25 की। तो लेट्स सी कैसा जाता है। गाइस अब हम आए मिठू। अरे इसमें आप ये भूनते हो? अच्छा मतलब ऐसे कैसे ये गर्म रहती है? ये ऊपर गर्म बटन है, नीचे गर्म है। अच्छा अच्छा ये भी हमने पहली बार देखा ऐसा। हाँ बहुत ही अलग तरीके का रहता है हमारे यहाँ तो। अच्छा तो ये गर्म रहेगी? ओ सही है। अच्छा गर्म रखने के लिए बन हाँ, जाती है। हाँ दीदी गाइस अब हम जा रहे हैं म्यूजिकल वाटर फाउंटेन विद लाइट एंड साउंड शो में। ये बहुत ही मजा आने वाला। ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है जम्मू की और यहाँ पे छोटी छोटी सी मार्केट्स हैं। ये देखिए बाद में आप लोगों को रिव्यू भी बताएगा अपना। हाँ कि आके जाके अब हम आपको आगे जाके ये बताएंगे कि कैसी है क्या है। फ्रंट गेट है ये। हाँ ये उसका हम अब एंट्री ले। ये देखिए और ये टिकट काउंटर्स और टिकट भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। फॉर एडल्ट इट्स 30 रुपीज एंड फॉर चाइल्ड इट 10 रुपीज अंडर 3 to 12 ईयर्स। तो ये देखो
ये देखिए गाइस, और यहाँ पे सब इकट्ठा है और अब हम जाएंगे अंदर और मैं आपको दिखाऊंगी क्या नजारे। गाइस ये यहाँ पे चल रहा है लाइटिंग शो, जो कोई गुरु सिख के बारे में, किसी सिख रिलेटेड जो क्या हमारे अंग्रेजों के साथ हुई थी वॉर, उससे रिलेटेड ये यहाँ पे कहानी चल रही है कि कैसे सिख ने, पंच प्यारों ने 1846 में किया था इनका युद्ध, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो पॉट पे, और देखो वहाँ पे लोग बैठे भी हैं, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, पता नहीं आपको दिख पा रहे होंगे या नहीं, लोग भी बैठे हैं। और ये देखिए आपके सदियां बीत गई, लेकिन हजारों साल पहले के बाघ बकरी के एक घाट पर एक साथ पानी पीने वाली भावना यहाँ आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। बरकरार है सबको साथ लेकर चलने की इस भूमि की तासीर, बरकरार है यहाँ की शांति, प्रेम और सद्भाव की भावना। आजादी के इतने साल बाद आज भी हाइट पे है, इसलिए इतनी ठंडा ठंड लग रही है, एकदम ठंडी 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 हवाएं। अच्छा गाइस, हमने ले लिया एंट्री और हम जा रहे हैं एक्वेरियम। ये देखिए एक्वेरियम कम अवेयरनेस सेंटर ऑफ जम्मू। लेट्स सी
चलो उधर एग्जिट तो अलग ही, इधर से तो कोई नहीं दिख रहा। गाइस ये वो फिशेज है, मे बी वो एक्सटेंट हो गई हो या ऐसा कुछ, जो उन्होंने इन सैंपल्स में हो या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लैब्स भी हैं तो इसके लिए यहाँ पे रखी गई हैं। गाइस हम आए जम्मू की मार्केट प्रसाद लेने के लिए, और यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे गरम कपड़े वगैरह भी हैं, तो सूट्स भी हैं। और ये क्या है, वेज सूप। और यहाँ पे देखिए केस करवा दो भैया, टेस्ट करके बताओ रिव्यू। सिप सिप कर रहा है, इतना गर्म नहीं होगा वो है ठीक है। देखो बढ़िया, मेहल टेस्ट करके बताएगी, बहुत टेस्टी है गाइस, अप्रूव्ड कर दीजिए बच्चे लोगों का। रोक दो मेरे जनाजे को, रोक दो मेरे जनाजे को, मुझ में जान आ गई है। पीछे मुड़ के देखो, शराब की दुकान आ गई है। ये देखो गाइस वाइन शॉप। गाइस ये हम आए हैं प्रसाद की मार्केट। गाइस ये है दुर्गा ड्राई फ्रूट, हाँ जी, जम्मू रेलवे स्टेशन। और इनके रेट्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं और अच्छे प्राइस पे है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्वालिटीज भी अच्छी है, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, और यहाँ पे सारा माता का प्रसाद, ये सूखे ना एप्पल, और ये सब भैरवनाथ का, इसको क्या बोलते हैं, बेरीज, कौन सा बेर, काला बेर, ये सब है, तो काफी अच्छा है। और ये भैया मेरा ये पैक कर रहे हैं, मैंने ले लिया प्रसाद। और यहाँ पे भैया लिख दो योगिता, योगिता हाँ जी, धन्यवाद। भैया आप दे दो मुझे। भाई गीली सुपारी है ना, मोटा है पत्ता, गीली सुपारी। गाइस हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, सारा सामान सेटल, सब अपनी अपनी सीट्स पे पहुंच गए हैं, और अब हम हैं बस एक को छोड़ के। ये है फ्यूचर व्लॉगर यश, मैं सीट नहीं मिल रही, सीट मिल रही है बट इसे कोई बात करने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए ये मेरे पास आया है, पार्थ आ रहा है। और गाइस इनका तो अलग ही बोगी में आया है, ये अभी भी बिल्कुल अलग दूसरी यात्रा करने के लिए। और ये पक्का व्लॉगर बना दिया, और ये हमारे साथ, इतना तो मैं भी नहीं बोल पाती। तो गाइस योगी की दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय, पीस।